किसान ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़ रगड़े जा रहे हैं। चार ग्यारह 2023 को पूरा करने का आदेश देता हूँ। माफिया अतीक अहमद पहले ही मिट्टी में मिल चुका है, अब उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल रहा है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। माफिया अतीक भले ही अब जिंदा ना हो, लेकिन उसकी बनाई अवैध अकूत संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई हो रही है। अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों को खोजकर कुर्क करने और ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के निर्देश पर अतीक अहमद की 12,82,00,000 की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। करीब 20 बीघा की बेशकीमती जमीन एक गरीब राजमिस्त्री हुबलाल के नाम दर्ज कराई गई थी। इसमें कुल 16 किसानों की भूमि शामिल है। ये भूखंड प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र अंतर्गत गौसपुर कठपुला में स्थित है। अतीक अहमद की इस बेनामी संपत्ति को अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है, जिसका आदेश पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा की कोर्ट ने 4 नवंबर को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत दिया था। पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट प्रयागराज के आदेश के क्रम में ये जब्तीकरण की कार्रवाई करी गई है। ये धारा 14(1) के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करी गई है। ये अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थी, जो हुबलाल नाम के व्यक्ति के नाम थी। यह करीब 23,447 वर्ग गज जमीन है, जो करीब 5.5 हेक्टेयर है और जिसकी अनुमानित कीमत 12.5 करोड़ रुपये है। ये 16 घाटों में बटी हुई है और ये सबसे बड़ा घाटा है। आज यहाँ पे जब्तीकरण की, इन सभी 16 घाटों में जब्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। अच्छा सर, आगे क्या कार्रवाई, मुनादी भी कराई गई, इसका क्या मतलब होता है? इसमें मुनादी आसपास यहाँ सबको बता दिया गया है कि अब ये सरकार की तरफ से जब्त हो चुकी है। इसमें अब किसी तरह का कब्जा वगैरह कोई व्यक्ति नहीं करेगा, उसके खिलाफ अदरवाइज वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। क्या अतीक अहमद की और भी जमीनों का चिन्हीकरण किया जाए, अवैध और बेनामी है जी? उसमें पुलिस लगातार कार्य कर रही है और भी हमें संपत्तियों का पता चल रहा है। उसमें जैसे भी होगा हम आपको अवगत करा देंगे। राजमिस्त्री हुबलाल को माफिया और उसके गुर्गों ने डराया धमकाया था कि जब वो चाहेगा तब जमीन उसके कहने पर रजिस्ट्री करनी होगी, ऐसा ना करने पर हुबलाल के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। ये जमीन साल 2015 में अतीक अहमद और उसके गैंग के सदस्यों द्वारा बेनामी संपत्ति के तौर पर खरीदी गई थी। उस वक्त इसकी कीमत 1,84,00,000 रुपए थी। अब यूपी पुलिस ने अतीक की इस बेनामी संपत्ति को लेकर ये बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि माफिया अतीक को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में कहा था कि यूपी में माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए योगी ने उस वक्त क्या कुछ कहा था। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी भी था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है? और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। यूपी में माफिया ही नहीं, माफियाओं के साम्राज्य को भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अतीक की करोड़ों की बेनामी संपत्ति की कुर्की इसका ताजा उदाहरण है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।